बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तुर्बे हनुमान नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित मेड़कर इस बार अपने प्रभाग से जुड़ी एक और समस्या को लेकर ऐरोली के विधायक गणेश नायक और आयुक्त अभिजीत बांगर की साप्ताहिक बैठक में तुर्बे हनुमान नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित मेड़कर अपने प्रभाग से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या को लेकर पहुँचे। प्रभाग के गर्भवती महिलाओं से जुड़े सबसे गंभीर मुद्दे को अमित मेड़कर ने अपने नेता ऐरोली के विधायक गणेश नायक के माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखा। अमित मेड़कर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को एमसीएच में आपातकालीन स्थिति में जेजे अस्पताल भेजा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने तुर्बे के एमसीएच की जल्द शुरुआत करने की मांग की। हमारे जो भी विभाग के प्रेग्नेंट महिला है, जो हमेशा देखा गया है कि 8-9 महीने वो हमारे जो नेरुल एमसीएच और ऐरोली एमसीएच में अपना 8-9 मंथ्स का अपना वहाँ पर फॉलोअप कराती है, लेकिन जब भी डिलीवरी का टाइम आता है ये देखा गया कि उनको जेजे या नायर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो आदरणीय नायक साहब के माध्यम से मैंने आयुक्त साहब के सामने ये आज ये मैंने विषय रखा कि हमारे ये दोनों एमसीएच इतने अच्छे, इतने डेवलप है, सिर्फ वहाँ पर NICU और ICU की बेड्स की कमतरता होने की वजह से हमारे इन महिलाओं को नई मुंबई के बाहर जाना पड़ता है। और उनसे मैंने ये मांग रखी थी कि हमारे इन दोनों MCH में आप ज़्यादा से ज़्यादा NICU और ICU बेड्स बढ़ाई जाए और साथ ही में तुर्बे जो MCH है वो जल्द से जल्द उसकी शुरुआत की जाए, ताकि हमारे लोगों को नई मुंबई में ही ट्रीटमेंट लेने की उनको यहाँ पर सुविधा मिले। आदरणीय नायक साहब ने आयुक्त जी को यही कहा कि ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और इसका जो निवारण है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही होनी नहीं चाहिए। आने वाले कुछ ही महीनों के भीतर यहाँ पर इन हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ICU का निर्माण और बच्चों के लिए NICU का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। आयुक्त जी ने यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वो दोनों हॉस्पिटल की जो ICU की संख्या है उसमें वो बढ़ाएंगे, ताकि हमारी इन प्रेग्नेंट महिलाओं को कोई इसमें गैर सुविधा ना हो, और साथ ही में जल्द से जल्द तुर्बे MCH भी चालू करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। नॉन कोविड मरीजों को भी रात बेरात क्रिटिकल परिस्थितियों में जब डॉक्टर DY पाटिल अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया जाता है तो नवी मुंबई महानगर पालिका के इंचार्ज ड्यूटी पर तैनात न होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन द्वारा रात बेरात नवी मुंबई मनपा इंचार्ज की नियुक्ति की वहां पर व्यवस्था करें। जितने भी हमारे नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो DY पाटिल हॉस्पिटल में अपना इलाज के लिए जा रहे हैं, पर हमेशा ये देखा गया है कि जो हमारे वहाँ पर जो इंचार्ज है कॉरपोरेशन के, वो 6 के बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जब भी हमारा कोई दूसरा क्रिटिकल पेशेंट वहाँ जाता है तो हमेशा ये देखा गया है कि उन पेशेंट्स को वहाँ पर ICU अवेलेबल नहीं है, ये बता के उनको दोबारा JJ या साइन हॉस्पिटल भेजा जाता है, जो कि सरासर गलत है। हमने देखा कि एक हसन शेख करके हमारे प्रभाग के एक व्यक्ति थे जो क्रिटिकल थे, उनको तुरंत उनके जो परिजन है वो DY पाटिल हॉस्पिटल में लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर ICU अवेलेबल होने के बावजूद उन्हें यह कहा गया कि यहाँ पर ICU अवेलेबल नहीं, इनको आप JJ में लेके जाइए। तुरंत जैसे मुझे ये खबर मिली, मैंने हमारे जो वहाँ के इंचार्ज है योगेश कडूसकर जी को मैंने कॉल किया, और जैसे उन्होंने हॉस्पिटल में बात की और उनका मुझे कॉल बैक कि सर वहाँ पर ICU अवेलेबल, आप उनको भेज दीजिए। जैसे मुझे वहाँ पर योगेश जी का कॉल आया और मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो तब तक वो JJ के लिए निकल चुके गए थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते मैंने आदरणीय नायक साहब के माध्यम से मैंने आयुक्त जी के सामने ये विषय रखा है कि वहाँ पर नाइट में भी हमारा इंचार्ज होना चाहिए, और जो कुछ हमारे जो नई मुंबई के जो हमारे लोग हैं जो ये अपने DY पाटिल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उनको रात में मिडनाइट में कभी भी उनको ट्रीटमेंट अवेलेबल वहाँ पर होना चाहिए। आयुक्त जी ने मुझे यही कहा कि वो नाइट में भी वहाँ पर इंचार्ज अभी रखेंगे परमानेंट, जहाँ की जो भी हमारे यहाँ के नागरिक है अगर वो कोई क्रिटिकल पेशेंट
वहाँ जाता है तो उनको किसी तरह की गैर सुविधा नहीं वहाँ पर होनी चाहिए और उनको वहाँ पर ताबड़तोड़ एडमिट किया जाएगा। अमित मेड़कर द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर गणेश नाइक ने बेहद आक्रामक तौर पर अपनी भूमिका अख्तियार की और उन्होंने आयुक्त अभिजीत बांगर को ये स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं को दर दर भटकना ना पड़े। अमित मेड़कर ने अपने प्रभाग की इस गंभीर समस्या का जिक्र करते हुए ये सवाल उत्पन्न किया कि अगर इतनी बेहतरीन MCH की सुविधाएं हैं तो भी आज प्रभाग की गर्भवती महिलाओं को मुंबई इलाज के लिए जाने को मजबूर होना बेहद दुखद है। ये बात सही है कि कई कई हॉस्पिटल में जो महिलाओं के डिफिकल्ट डिलीवरी हो जाती है, सीजरिंग हो जाती है, उनके बच्चों को यानी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो वो जो पूरी यंत्रणा वहाँ रखने के लिए हम लोगों ने उनको चेतावनी दी है, स्पेशलाइज स्टाफ ट्रेन स्टाफ उधर रखने के लिए बताया है और वो लोग उसकी जो कुछ भी अरेंजमेंट करने की जरूरत है वो करने के लिए उन्होंने वादा किया है। अमित मेड़कर ने कहा कि आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अगर दोनों अस्पताल में NICU और ICU बेड की व्यवस्था होती है तो निश्चित तौर पर इसका सारा श्रेय अमित मेड़कर को जाएगा, क्योंकि उन्होंने लगातार इस मुद्दे पर पहले दिन से ही अपनी आवाज बुलंद कर अपने प्रभाग के नागरिकों के हित में हमेशा आवाज उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।